थैंक यू गाइस, आप लोग का इतना सपोर्ट मुझे देने के लिए। ये जो वीडियोस जो आप देख रहे हैं, हाउ टू फिल द प्री एनरोलमेंट एडमिशन फॉर्म, ये बेसिकली मैंने बनाया था बच्चों के लिए, और सडनली यूट्यूब ने इसको रिमूव कर दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको फिर से रिक्रिएट कर रहा हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया हुआ है। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने फॉर्म को फिल नहीं किया हुआ है, और अभी भी अपने पास टाइम है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, तो इसको मैं रिक्रिएट कर रहा हूँ। देखिए, इसके अंदर कुछ पर्सनल जो डिटेल्स है उसको मैंने हाइड कर दिया हुआ है, ठीक है आपको, लेकिन कंप्लीट प्रोसीजर समझ में आएगा इस वीडियोस के अंदर। तो आई होप कि जैसे आपने प्रीवियस वीडियो पे जो मुझे इतना सपोर्ट दिया था, आपने इतना व्यूज़ करके मुझे इतना मेरे चैनल को ग्रो करवाया था, थैंक यू सो मच। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसी तरीके से ये वीडियोज़ को भी देखें, ठीक है, और आपको भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, एंड लॉट्स ऑफ थैंक यू, और आप वीडियो को कंटिन्यू करके देखते रहिए। देखिए, और ये मैं बता रहा हूँ, ये पार्ट टू है बेसिकली, हाउ टू फिल द प्री एनरोलमेंट फॉर्म, जो बच्चों ने अब तक फिल नहीं किया वो बच्चे फिल कर सकते हैं। ओके, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देन फिर अब यहाँ पे हम प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, ये बैचलर आएगा सबका, दैट इज में प्रोग्राम लेवल, एंड देन उसके बाद फिर प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। आपको किस कोर्सेज में जाना है, आपको जो भी कोर्सेज जाना है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करूँगा कि मैं एक बच्चे का फॉर्म भरा, तो उसको चाहिए क्या, बैचलर ऑफ कॉमर्स बैंकिंग एंड इंश्योरेंस चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो मैंने बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेलेक्ट कर लिया हुआ है बहुत पहले, तो इसमें देखिए मतलब मैंने सेलेक्ट कर लिया हुआ है, तो इसमें नहीं दिखा रहा है अभी। और बेसिकली ऐसा हो रहा है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो नहीं एक दूसरे के आ रहे हैं, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया, यानी कि ये बैक हो गया, ठीक है। अब बच्चे को चाहिए जैसे कि सोमैया कॉलेज, ठीक है, जो कि विद्या विहार में है। अगर मैं यहाँ पे सोमैया कॉलेज का सर्च करूँगा तो भी नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। अगर मैं KG जाता हूँ यहाँ पे, KG नहीं आया इसमें, SK भी नहीं आएगा इसमें, ठीक है, ठीक है, SK कॉलेज नहीं है इसमें। फिर इसमें अगर या तो मैं सोमैया ठीक है, तो दैट इज़ में ऐसे बहुत सारे कोर्सेस है, ठीक है। क्योंकि बच्चों को ये प्रॉब्लम आएगी जब ये प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे और कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिखाई देगी। तो अभी आपको क्या करना है कि अब जो कॉलेज जो आपको चाहिए, जैसे कि सोमैया हो गया, वो नहीं दिखाई देगा, ऐसे बहुत सारे कॉलेज जो आपको नहीं दिखाई देगा। अगर ऐसे जगह पर मैं कोई दूसरा अदर कोर्स सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो मुझे ना वो सब कॉलेजेस दिखाई देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बैचलर ऑफ कॉमर्स साइंस में भी मैंने किया था, ठीक है, तो जैसे कि कंप्यूटर्स, अब इसमें है कंप्यूटर साइंस ऑटोनोमस, कंप्यूटर साइंस ऑटोनोमस डालूंगा तो उसमें KG आएगा, ठीक है। सिर्फ कंप्यूटर साइंस डालूंगा तो उसमें मेरा SK आएगा, ठीक है, उसमें KG नहीं आएगा फिर। तो ये सब प्रॉब्लम इसमें भी आ रही है, ठीक है, मतलब एक साथ इसमें लिस्ट नहीं दिया हुआ है। अब एक बैचलर ऑफ कॉमर्स डाला तो उसमें 379 मुझे यहाँ पे कॉलेजेस दिखाएगा, ठीक है। और अगर इसके अंदर मैं सर्च करूँ सोमैया, ठीक है, तो देखते हैं, देख रहे हो यहाँ पे, तो मुझे मिल गया ना SK सोमैया, राइट। तो ये SK सोमैया मुझे यहाँ पे मिल चुका है, ये किस पे आ रहा है, ये सिर्फ BCom में, ठीक है। अगर BCom ऑटोनॉमस जाऊँगा तो फिर SK नहीं आएगा, KG आएगा। तो ये हो गया अपने कॉलेज। अब इसमें आपको करना है कि लिस्ट बना लेना है, ठीक है, यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से नॉट इंटर से यहाँ पे तो ऊपर जाना है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, ठीक है, ऐसे आपको सेलेक्ट कर लेना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आपको जो भी कॉलेजेस चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ पे सर्च कर लेना, ठीक है। तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, नीचे आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे नीचे में जाना है, एकदम नीचे आपको यहाँ पे प्रोसीड कर देना है, ठीक है। क्या करना है, ये प्रोसीड कर देना है, ठीक है। मैंने प्रोसीड नहीं किया, उसको मैंने सेव करके ड्राफ्ट कर दिया था, तो मैंने होम में मतलब मैंने सेलेक्ट किया था यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 ऐसा सेलेक्ट कर लिया था, फिर बाद में मैंने होम पे चला गया, ठीक है। जब मैं होम पे गया तो मेरे साथ इस मेरे सामने इस तरीके का पेज ओपन हुआ, देख रहे हो, और नीचे यहाँ पे देख दो कि मेरे पास यहाँ पे दो कॉलम दिखाई दे रहा है। इस दो कॉलम के अंदर क्या है कि बैचलर ऑफ कॉमर्स बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, एक ऑटोनॉमस है, ठीक है, और एक है सेम है बैचलर ऑफ कॉमर्स बैंकिंग इंश्योरेंस, ये ऑटोनॉमस नहीं है, ठीक है, ये एफिलेटेड बाय द मुंबई यूनिवर्सिटी से, और ये ऑटोनॉमस है, इसलिए इसका दो ऐसा रो यहाँ पे रेडी हो गया। और यहाँ पे देखते हो कि कॉलेज इंस्टीट्यूशंस डिपार्टमेंट डेट कुछ नहीं है यहाँ पे अभी तक, क्योंकि मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया है। स्टेटस देख सकते हो, नॉट पेड है या नॉट सबमिटेड है यहाँ पे, ठीक है, एक्शन देख सकते हो यहाँ पे, और रिसिप्ट देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो अभी पहले मैं ये जो फर्स्ट है ऑटोनोमस का, उसमें सबमिट एप्लीकेशन करता हूँ, तो दैट इज मीन मेरे सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो गए। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास तीन अभी यहाँ पे कॉलेजेस दिखाई दे रहे हैं जो ऑटोनोमस में मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, फॉर द BBA। आप अदर कोर्सेज भी देख सकते हो, ये साइंस के लिए हो गया,
या तो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए भी है, ठीक है, और कॉमर्स वाले बच्चे के लिए भी है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, तो नेक्स्ट किया मैंने यहाँ पे, तो अभी जो मेरा फर्स्ट था प्रोग्राम सिलेक्शन, अब वो आ गया यहाँ पे पर्सनल डिटेल पे, ठीक है, पर्सनल डिटेल यहाँ पे मैं सबमिट करूँगा, क्योंकि ये जो डिटेल्स है ये कॉलेज में भी जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं अभी यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करना है पर्सनल डिटेल में, इसलिए मैं नेक्स्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अभी थर्ड आ गया एकेडमिक डिटेल्स, ठीक है, मैं यहाँ पे एकेडमिक डिटेल देखता हूँ क्या दिया हुआ है, एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसमें अभी क्राइटेरियाज में क्या लिखा हुआ है बोले इससे, ठीक है, ए कैंडिडेट फॉर द बींग एलिजिबल फॉर द एडमिशन द बैचलर ऑफ बैंकिंग इंश्योरेंस डिग्री कोर्सेज, ठीक है, शुड हैव पास 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे और इक्विवेलेंट, ठीक है, ये तो आपको स्टार्टिंग में भी दिया था ये पूरा इन्फॉर्मेशन। तो इसमें जो कैटेगराइज दिया गया वो है, और यहाँ पे मैं टिक कर ले, ठीक है, अभी नीचे अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन डिटेल, ठीक है, 10th और इक्विवेलेंट, 10th के बेसिस हो सकता है या कोई अदर कोर्सेज के बेसिस भी हो सकते हैं। तो आपने 10th कब पास किया हुआ है ये यहाँ पे जानना है, ठीक है, अगर जैसे कि 2024 में आपने ये पास किया हुआ है 12th, तो उसके 2 साल पहले मिल जाइए, यानी कि 2022 में आपने 10th पास कर लिया हो, राइट, 2022 में आपने 10th पास किया, तो आपके मार्कशीट उस पर भी डेट लिखा हुआ है, ठीक है, आपने एग्जाम कभी किया हुआ है, तो ये 2022 में होगा। फिर यहाँ पे आपका नेम ऑफ स्कूल डालना पड़ेगा, ठीक है, फिर बोर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो आपका सेकेंडरी महाराष्ट्र महाराष्ट्र सेट का आएगा ना, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन ये आएगा इसमें, क्या लिया हुआ, महाराष्ट्र स्टेट का, ठीक, आपको इस तरह स्कूल का नाम डालना है, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर या तो क्लास 10th का रोल नंबर यहाँ पे इंसर्ट करना है, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर तो इसमें ये आपको या तो आपका रोल नंबर याद रहेगा तो वो भी ला सकते हो, या रजिस्ट्रेशन नंबर भी ला सकते हो, जो कि आपके 10th के मार्कशीट से भी लिखा रहेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। चलिए इसको मैं बाद में इंसर्ट करता हूँ, अभी याद नहीं आ रहा है। तो क्लास 10th डिविजन्स, यहाँ पे डिविजन्स लाने हैं, अब क्लास 10th का डिविजन्स क्या है, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास या थर्ड क्लास, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है यहाँ पे भी, मतलब आपको जो मार्क्स मिले थे वो आप फर्स्ट क्लास में पास हुए या कैसे पास हुए, तो ये यहाँ पे आपको डालना है। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे मार्क्स डाल देना है, क्या लिखा हुआ है, क्लास 10th परसेंटेज लिखा हुआ है यहाँ पे, परसेंटेज, तो परसेंटेज तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है, परसेंटेज है यहाँ पे 64.20, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट क्लास होगा। फिर क्लास 10th सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, क्लास 10th सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे, फिर क्लास 10th में सब्जेक्ट्स तो वो यहाँ पे इंसर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे आपको 12th का, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है, क्लास 12th का आपका पासिंग कब हुआ था, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि क्लास 12th का आपको क्वालिफिकेशन स्टेटस गिवन है, तो इधर पास आएगा, ठीक है। फिर नेम ऑफ द स्कूल यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको, फिर आपको बोर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ऑब्वियसली सबका वही होगा महाराष्ट्र स्टेट होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर रोल नंबर यहाँ पे डालना है, स्ट्रीम क्या था वो यहाँ पे डाल सकते हो आप, कॉमर्स है, ठीक है, और क्लास 10th 12th में आपका डिवीजन क्या था, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास, ठीक है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट है होगा, ठीक है। तो फिर परसेंटेज डाल देता हूँ मैं, परसेंटेज तो मिल गया होगा सबको, ठीक है, मार्क्स मिल गया मतलब परसेंटेज तो मिल गया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे पहले मैं ऊपर से भी जो फिल कर लेता हूँ, जो अपने वैल्यू इन्फॉर्मेशन से आप लोग भी फिल कर लीजिए, जैसे कि स्कूल का नाम डाल दीजिए, 10th का, 12th का, ठीक है, रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए, राइट, और तो सब मैंने बता दिया, यहाँ पे परसेंटेज बता दिया, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट डालने हैं, ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे हम डाल देते हैं, ठीक है, ओके। तो देन यहाँ पे मैंने 10th का ये डाल दिया, नेम ऑफ स्कूल डाल दिया, बोर्ड डाल दिया, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर पे आपका सिलेक्शन बस यहाँ पे आ जाएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। क्लास 10th का डिविजन क्या था आपका, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ठीक है, तो मोर देन 60 उसको फर्स्ट क्लास में कंसिडर करते हैं, तो 64.40 आपका 10th के मार्कशीट में आ जाएगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आप हिंदी और संस्कृत इनका था, इस बच्चे का आपका जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग डालना, ठीक है। फिर यहाँ पे 12th के
12 पास हो चुके हैं, क्योंकि सबको पता चल गया कि ऑनलाइन आपके नंबर आ चुके हैं। तो 2024 में आया ये, कॉलेज का नाम डाल दिया यहाँ पे, बोर्ड डाल दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि आपका सीट नंबर हो गया, फिर यहाँ पे स्ट्रीम हो गया आपका कॉमर्स यानी कि आपका साइंस रहेगा आर्ट्स रहेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आना। फिर यहाँ पे फर्स्ट क्लास डिविजन्स में आ गया, ठीक है, 83.33 जो परसेंटेज है वो यहाँ पे इंसर्ट कर लिया हमने, ठीक है। हैव यू पास क्लास 12th विद मैथमेटिक्स, अगर आपने SP से किया हुआ है कॉमर्स वाले बच्चे, ठीक है, और साइंस में भी ऐसा होता है कि मैथ्स ऑप्शन में डालती है, अदर सब्जेक्ट्स को यहाँ पे ले लेते हैं। अभी जो आपके जो 12th के बच्चे हैं ना, तो उनके साथ ऐसा होता है कि मैथ्स नहीं होता है, तो आप अदर सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि इकोनॉमिक जोग्राफी अदर भी सब्जेक्ट्स होते हैं, वो यहाँ पे ला सकते हैं क्लास 12th सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अंदर, ठीक है। जैसे कि इकोनॉमिक है तो इकोनॉमिक डाल देना है, इसमें जोग्राफी डाल देना है, जो भी आप लोगे यहाँ पे यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। जैसे इस कॉमर्स में कैसा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स हो गए। अब ये बच्चे ने मैथ्स में पास किया तो यस के, अगर उनके पास SP वाले बच्चे हैं तो उनको नो करना है, क्योंकि वो मैथमेटिक्स से पास नहीं। नो करोगे तो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वाला जो पार्ट देखते हो क्लास 12 मैथमेटिक्स मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दिया कि मैथ्स में कितना मार्क्स मिला हुआ है और टोटल मैथ्स मैथ्स में कितना मार्क्स था आपका, 100 में से मार्क्स था आपका, तो वो यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। इतना हो जाने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। हाँ ये हो गया, यहाँ पे आपका क्या आ गया कि थर्ड पार्ट है अपना एकेडमिक डिटेल्स, ठीक है। इस पे ये भी अभी यहाँ पे आप इसको वेरीफाई कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। अब मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी इसमें आएगा अदर डिटेल, जो कि अदर डिटेल हमने पहले से फिल कर दिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो तो कि डू यू हैव एनी एलिमेंट्स या डू यू हैव एनी एनसीपी सर्टिफिकेट, डू यू हैव पार्टिसिपेट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, या आर यू वॉट ऑफ द यूनिवर्सिटी इनरोल्ड, जैसे कि फादर मदर, या फिर तो इसके अंदर जॉब जॉब करते हैं तो उसमें यहाँ पे करना पड़ता है, मराठी हिंदी और इंग्लिश, जहाँ पे आपका रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग है, तो ये पहले से यहाँ पे हमने फिल कर दिया, तो उसको नेक्स्ट कर देंगे। अभी अपलोड में देखिए, यहाँ पे अपलोड में क्या है, आपको वही फोटो और आपका सिग्नेचर जो कि हमने पहले से अपलोड कर दिया है, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे आपको दो पार्ट और ऐड कर दिया हुआ है। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो आप डालिए, नहीं है तो आप इसको पे अपलोड नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर देन क्लास 10 का आपको क्या करना है कि मार्कशीट और एन सर्टिफिकेट द सिंगल फाइल एंड अपलोड, ठीक है। आपको यहाँ पे स्कैन बोथ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ठीक है, ये दोनों चाहिए यहाँ पे। एक मार्कशीट होता है, दो यूजर्स होंगे, तो दोनों को प्रॉपर तरीके से स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है। आप फाइल देख सकते हो, ठीक है, 10 से 500 KB में होना चाहिए, सेम इसी तरीके से 12th, बट 12th में अभी आपको मार्कशीट मिला ही नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे अपलोड करोगे। तो जो आपको ऑनलाइन मिला है ना, उसको ही आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ऑनलाइन आपने इसका स्क्रीन शॉट लिया होगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। जिन्होंने नहीं लिया स्क्रीन शॉट, मोस्ट ऑफ सब लोग ले लेते हैं, जिन्होंने लिया कैसे जाइए ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके आप उसका स्क्रीन शॉट अच्छे से ले लीजिए और उसको अपलोड करें, ठीक है। चलिए इसको मैं अभी प्रोसीड कर लेता हूँ, क्योंकि ये इसको मुझे इतने फाइल में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इतने साइज में, देन फिर मैं यहाँ पे आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। देन मैंने यहाँ पे ये अपलोड कर दिया हुआ है 10th का, ठीक है, ये मार्कशीट है, और उसके बाद 12th का भी ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था ये अपलोड कर दिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे प्रीव्यू कर लेता हूँ, ठीक है। तो प्रीव्यू करके नीचे आ जाइए, ये आपका पूरा एप्लीकेशन रेडी है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये ऑटोनोमस कॉलेज है यहाँ पे बेसिकली, ठीक है, मतलब ऑटोनोमस जो कोर्सेस है और कॉलेज है उनके। तो यहाँ पे से तो ये कॉलेज के नाम यहाँ पे आ गए, ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकेंड एंड थर्ड प्रेफरेंस पे ऐसे आ गए आपके, राइट। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांजेक्शन डिटेल पे कि नॉट पेड नॉट सबमिटेड, ठीक है, अभी तक हमने इसको सबमिट नहीं किया हुआ है, अभी बचा हुआ है ये ट्रांजेक्शन आईडी और अमाउंट यहाँ पे नील है अभी, ठीक है, अभी देखते क्या है। फिर पर्सनल डिटेल आ गया आपका, फिर इसके बाद हर एक चीज यहाँ पे नीचे आ जाएगा। आपने जो भी फॉर्म फिल किए थे अच्छे से इसको एक बार रिव्यू कर लेना, ठीक है, पहले भी आपने रिव्यू किया हुआ है तो इसके बाद भी एक बार रिव्यू कर लेना, ठीक है, देन उसके बाद इसको सबमिट करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ कर लिया हुआ, इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड नहीं है, ठीक है, और बाकी आपके क्लास 10th के और क्लास 12th के यहाँ पे अपलोडेड दिखा रहा है, ठीक है। फॉर्म डिक्लेरेशन में अभी यहाँ पे वही जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही सब कुछ है, तो यहाँ पे आपको सबमिट कर लेना है, ठीक है। अब डिक्लेरेशन में आ जाते हैं, देख सकते हो यहाँ पे वेरीफाई डिटेल्स दिया हुआ है, आपको सब कुछ यहाँ पे फिर से एक बार वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने वेरीफाई कर दिया हुआ है, अब यहाँ पे नीचे वेरीफाई द डिटेल बाय द क्लिकिंग ऑन द चेक बॉक्स, जैसे कि आपने नाम चेक कर लिया है, ठीक है, बर्थ चेक कर लिया है, ठीक है, फिर जनरल कैटेगरी हो गया आपका, फिर मेल जेंडर मेल हो गया, फिर मदर्स नेम, फादर्स नेम, ठीक है,
फिर एड्रेस हो गया आपका, फिर आई हैव चेक ऑल द इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म एंड अबव फिल, ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या था, आई हैव रीड ऑल द गाइडलाइन एंड द इंफॉर्मेशन, और ये राइट, तो ये हो गया है। तो अब मुझे इसको क्या करना है, सबमिट कर देना है राइट। तो आप उसको प्रॉपर तरीके से रीड करके अच्छे तरीके से, ठीक है, फिर सबमिट करना। तो पहले मैं भी इसको अच्छे से, जिस बच्चे का, उसको अच्छे से पहले मैं इसको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, एंड देन फिर हम उसको सबमिट कर देंगे राइट। देन यहाँ पे आप देख सकते हो दो ऑप्शन दिया हुआ है, होम और सबमिट एप्लीकेशन, ठीक है, इस तरीके से। अगर हम होम पे जाओगे तो पूरा पीछे हो जाएगा, ठीक है, फिर सबमिट एप्लीकेशन करोगे तो ये सबमिट हो जाएगा इस तरीके से। तो आप जो भी डिटेल फिल कर रहे हो उस तरीके से, अभी देखिए ये मैंने क्या किया ना, ये ऑटोनॉमस कॉलेज का ये फिल किया था। अब मेरे पास दूसरा भी एक कॉलेज है, मतलब कि जो ऑटोनॉमस नहीं है राइट। पहले तो मैंने यहाँ पे ऑटोनॉमस के सेलेक्ट किया था, अब मैं दोबारा एक फॉर्म फिल करूंगा सेम इसी प्रोसीजर्स में, लेकिन वो ऑटोनॉमस नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड, ओके, तो अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। ये टोटल यहाँ पे 7 स्टेप है, प्रोग्राम सिलेक्शन से, प्रोग्राम जिस तरीके से सिलेक्ट करोगे उस तरीके से आपके कॉलेजेस दिखाई देंगे, पर्सनल डिटेल आएगा, एकेडमिक डिटेल आएगा। एकेडमिक डिटेल आपको फिल करना है, पर्सनल डिटेल आपने पहले से फिल कर लिया है, फिर अदर डिटेल्स आपको यहाँ पे पहले से फिल कर लिया, इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं करना है। अपलोड में आपको 10th एंड 12th के मार्कशीट अपलोड करने हैं, ठीक है, प्रीव्यू कर लेना है एक बार, फिर इसके बाद आप डिक्लेरेशन कर लेना, ठीक है। डिक्लेरेशन कर लिया, मैं नीचे आता हूँ और इसको इधर सबमिट एप्लीकेशन करता हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आया, सबमिट हो गया, ये तो सबमिट हो गया मेरा। यहाँ पे देखते हैं अभी, यहाँ पे देखिए तो ये मेरे सामने आ चुका है, यहाँ पे लाइन से सब कुछ यहाँ पे आ चुका है, जिसमें देख सकते हो कि ये फॉर्म नंबर्स आ चुका है मेरे पास यहाँ पे सब कुछ। देखिए बैचलर ऑफ बैंकिंग इंश्योरेंस यहाँ पे आ गया है, देखिए कॉलेज का नाम आ गया है प्रॉपर तरीके से, कॉलेज इंस्टीट्यूशन नेम, डेट अब भी सबमिट किया मैंने, ठीक है, तो अभी का सब कुछ आएगा ये, ठीक है। स्टेटस देख सकते हो यहाँ पे, एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो चुका है और रिसीव प्रिंट यहाँ पे है इस तरीके से राइट। अभी सेम इसी तरीके से आप मुझे ये जो कॉलेज है ऊपर के, बैचलर ऑफ कॉमर्स बैंकिंग इंश्योरेंस, ठीक है, ये ऑटोनॉमस नहीं है, अब यहाँ पे मुझे अगेन सबमिट एप्लीकेशन करना होगा, ठीक है। सब कुछ डिटेल मुझे उसी तरीके से फिलअप करना होगा, जैसे जैसे तो जो कॉलेज मैंने सेलेक्ट किया वो कॉलेज मेरे यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे हम सबमिट कर लेते हैं। अगर इसमें आपको कोई अपडेट करना है, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मुझे कुछ कॉलेजेस निकालने हैं, तो मैं यहाँ पे अपडेट पे आके यहाँ पे मैं कॉलेज निकाल सकता हूँ, जो भी मैंने कॉलेज यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, या कोई कॉलेज और मुझे ऐड करना है तो मैं यहाँ पे ऐड भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी लिस्ट यहाँ पे रेडी है, देख सकते हो यहाँ पे सेकंड हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे फर्स्ट हो गया, ठीक है। अभी जैसे कि मुझे यहाँ से एक कॉलेज निकालना है, तो इस कॉलेज को मैं यहाँ पे आके नॉट इंटरेस्टेड कर देता हूँ, ये हो गया। अब मैं नीचे आ जाता हूँ, प्रोसीड कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास इसमें दो कॉलेज है, सिर्फ देख सकते हो यहाँ पे दो कॉलेज, फिर यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ, ओके, सब कुछ वही डिटेल आ गया सेम उसी तरीके से, फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट किया, फिर ऊपर मुझे यहाँ पे टिक कर लेना है राइट। अब मुझे नीचे आना है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका सब डिटेल ऐसे ही फिल होगा जैसे अभी आपने फिल किया था, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे आना है आपको, आप मैथ्स में पास हो ये डाल देना है यहाँ पे, जैसे आप यस करोगे तो सब आपका डिटेल ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा सब कुछ, सेम नेक्स्ट कर लेना है, ठीक है। सेकेंड टाइम आपका फटाफट हो जाएगा, फर्स्ट टाइम आपको सिर्फ आपको अच्छी तरीके से फिल करना है, फिर यहाँ पे कुछ अपडेट करना तो कर सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट कर दिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अभी यहाँ पे सब कुछ डिटेल ऑटोमेटिकली फिल है, इसको प्रीव्यू कर लेते हैं हम लोग, प्रीव्यू कर लिया, ठीक है, सब कुछ मैंने कर चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ इसको फटाफट टिक कर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी एक बार हमने फॉर्म अच्छी तरीके से फिल कर लिया तो दोबारा आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ, ये भी सबमिट कर दिया, डिक्लेरेशन आ गया, डिक्लेरेशन में यहाँ पे सब अगेन टिक कर देता हूँ मैं, ठीक है, सब कुछ सही है, आपको चेक कर लेना सही है कि नहीं है, इसके बाद ही आपको प्रोसीड करना है, ये हो गया, चलिए ये सब कुछ हो गया यहाँ पे, एंड सबमिट एप्लीकेशंस। अभी ये जो मैं बना रहा हूँ वीडियो पार्ट 2, देखिए ये पूरा मेरा यहाँ पे अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल यहाँ पे 6 लिस्ट रेडी हो गई है, सॉरी 5 लिस्ट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके यहाँ पे प्रिंट फॉर्म कर लूंगा, ठीक है, हर एक देख सकते हो यहाँ पे मैंने प्रिंट फॉर्म कर लिया।
अब ये फॉर्म इतना ही करना है इसमें, ठीक है। ये यहाँ पे देखो आप लोग, ये दो पार्ट आपका इनकम्प्लीट रहेगा। क्यों अभी ये इनकम्प्लीट रहेगा? क्योंकि अभी आपको ना यहाँ पे कॉलेजेस के फॉर्म फिल करने हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको आपका जो फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म नंबर आपको मिल चुका है। अभी ये जो फॉर्म नंबर है ना, ये आपको कॉलेज के जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे वहां पे आपको ये इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और स्टेटस देख सकते हो, स्टेटस में आपको एप्लीकेशन सबमिट है, यहाँ पे भी एप्लीकेशन सबमिट है, सबमिट है, सबमिट है, सबमिट है, ठीक है। इसका प्रिंट लेना है अभी आपको, देखिए हर एक का जितना भी आप कॉलेज से लेकर होगे। तो मैंने यहाँ पे टोटल 5 कॉलेज सेलेक्ट किया है, और इस 5 कॉलेज में अब मैं यहाँ पे एक्शन दिख रहा हूँ, यहाँ पे एक्शन कुछ नहीं है। अभी ये एक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि अब मुझे इसको कॉलेज के ऑफिशियल पोर्टल पे जाके, ठीक है, फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जो भी आप कॉलेज यहाँ पे सिलेक्ट किए हो, देखिए हर एक कॉलेज के पोर्टल पे जाके आपको फॉर्म को फिल करना होगा, एंड देन वहां पे आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे एक्शन आएगा, ठीक है, सबमिटेड, ठीक है, या तो इधर कंप्लीटेड भी लिख के आ सकता है। तो ये लेट्स सी, अभी देखते हैं। अब हम मिलेंगे वीडियो के पार्ट 3 पे। अभी ये पार्ट 2 था जिसमें हमने अपने सिलेक्शन और प्रोग्राम, ठीक है, या प्रोग्राम सिलेक्शन या प्रोग्राम, ये जो पार्ट था इसको हमने कंप्लीट कर दिया, जिसमें टोटल 7 स्टेप्स थे, ठीक है। 3 स्टेप आपने ऑटोमेटिकली कर लिए थे, पहले से ही कर लिए थे, दैट इज मीन्स वो ऑटोमेटिकली फिल हो गया था। और 3 स्टेप आपको खुद सेलेक्ट करना है, जैसे कि आपको ये कोर्सेज सेलेक्ट करना है, ठीक है, कॉलेज सेलेक्ट करना है, राइट, और फिर आपको अपने एकेडमिक डिटेल यहाँ पे इंसर्ट करने हैं, और डिक्लेरेशन यहाँ पे देना है आपको। तो ये 4 स्टेप्स करने थे, 3 स्टेप आपके पहले से ही कम्प्लीट हो चुके थे, राइट। चलिए ये हो गया यहाँ पे, अब ये पार्ट 2 पूरा कंप्लीट हो गया। तो जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया, पार्ट 2 फिल कर लीजिए आराम से, कोई घाई नहीं है, अच्छे से फिल कीजिए, ठीक है। मैं आपको इसी तरीके से कंप्लीट प्रोसीजर बताते रहूंगा। आपको सिंपल से क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहेंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट में कॉलेज के फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।